बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लबे आज़ाद चैनल के प्लेटफॉर्म से आज इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। आज इफ्तारी उन अफराद तक हम पहुँचाएंगे जो इंतहाई गरीब और सफ़ेद पोश लोग हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हम मुस्तहिक लोगों तक इफ्तारी पहुँचाएँ। और आज के इस कार खैर में हमारे दोस्त अजमल भाई ने हमारे साथ तआवुन किया, बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं। अल्लाह पाक उनके रिज्क में, माल जान में, इज्जत में, आबरू में बरकतें फरमाएँ। आज का हमारा ये सेशन 2 है जो कि वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में आप तक पहुंचाया है। आज की इस वीडियो का मकसद यह है कि आप लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया जाए, और इस मैसेज के जरिए आप लोगों को बताया जाए कि आप भी इस तरह का अमल कर सकते हैं। अगर हमारे जरिए से इस तरह के मामलात में हिस्सा डालना चाहते हैं तो ज़रूर डाल सकते हैं। और ईद पे यतीम और बेवाओं और उसके अलावा सफ़ेद पोश लोगों की ईद को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इस मामले में अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो ईद से पहले पहले रब्ता फरमाएं, ताकि हम सब मिलकर उनकी ईद को खुशगवार बना सकें। आदि कश्मीर के संगलाख पहाड़ियों के दरमियान मौजूद छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं जिनमें बहुत सारे मजदूर और सफ़ेद पोश अफराद रहते हैं। उन तक उनका हक पहुंचाने के लिए हम रवाना हुए। बुनियादी एतबार से इस वीडियो को बनाने का मकसद दिखलावा या रियाकारी नहीं, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आगाह करना है, ताकि आप भी मिलकर इस मामले में हमारे साथ दें और हमें सपोर्ट करें, और ताकि हमारे ज़रिए से मज़ीद भी इस तरह के फलाही और नेकी के काम होते रहें और हम इन कामों के साथ वाबस्ता रहें। हमारा अवार्ड, हमारी मजदूरी, हमारा सब कुछ गुराबा, युतमा और मसकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। हमें उस वक्त इंतहा की खुशी होती है जब हमारे ज़रिए से, हमारी वजह से किसी गरीब यतीम या किसी सफ़ेद पोश के चेहरे पर मुस्कुराहट अवेज़ा होती है। इस मुस्कुराहट के लिए न सिर्फ मुझे और बल्कि आप तमाम तर मुआविनीन को, आप तमाम तर सपोर्टर्स को भी इसका क्रेडिट जाता है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाएं, जिनकी वजह से हम गुरबा और युतवा तक पहुंच के हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, उनके साथ मुआवनत और तआवुन कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।